अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मी हियर फिरोज और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा स्वागत है। तो आज हम हो गई है 17 जैन और बच चुके हैं इस टाइम 12 और कल है हूद का बर्थडे। तो अभी वो रास्ते में है, शॉप से आ रहा है, तो हम लोग ने उसको सरप्राइज करने के लिए सोचा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि उसका बर्थडे हम लोग सब भूल चुके हैं, किसी को उसका बर्थडे याद नहीं है, बट हम लोगों को याद है। और अभी उसके लिए आज हम लोगों ने बनाई है बिरयानी और केक वगैरह सब आके रेडी है, पार्टी पॉपर हम लोगों के हाथ में है। तो जैसे ही वो आएगा हम लोग उसको सरप्राइज करेंगे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डांसिंग एंड डांसिंग एंड डांसिंग। तो यहाँ पे हैफा रेडी हो रही है हूद के बर्थडे के लिए और ये मुझे भी ऑफर कर रही थी, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं बस ऐसे ही ठीक हूँ। ये देखो यहाँ पर कैमरे में हम लोग वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जब वो आ जाएगा तब हम लोग एकदम से जाके बम फोड़ेंगे, है ना। हम मतलब शोर कर रहा था तो हम लोग उसको रोक रहे थे पापा के पास जाने से, कि हूद को पता ना चल जाए कि मतलब हम लोग उसके लिए सरप्राइज किए हुए हैं। तो उसको हम लोग मना कर रहे थे कि नॉइज क्रिएट मत करो खिजर, बट खिजर नहीं मान रहा था। मम्मा देखिए मम्मा। तो यहाँ पर मम्मा भी आ गई और हम लोग का सबका ध्यान कैमरे की तरफ था कि बस हूद जैसे ही अंदर आएगा वो नहीं जा रहा है, चुप हो जाओ जो है ना। और यहाँ पर खिजर की सब लोग जो है ना बस मस्ती हो रही थी खिजर से। और यहाँ पे हम लोगों का भी आगे चुप हो जाएगा, लोग बहुत ज्यादा बोल रहे, डोर बंद था तो हैफा को जाना पड़ा डोर खोलने। देख रहे हैं एक्साइटमेंट की कोई हद नहीं है, सब लोग किस तरह से वेट कर रहे थे। आओ 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 इधर आओ ना, चलो आओ जल्दी से, यहीं खड़े हो सब लोग। देखिए खिजर हम लोगों को सारे प्लान का कबाड़ा कर रहा था, इतना शोर कर रहा था कि क्योंकि रोज इतना कभी शोर होता नहीं है ना, ये लोग जब भी शॉप से आते बस शांति से आ जाते हैं, और आज इतना शोर होता तो मुझे लग रहा था कि पक्का हूद को पता चल जाएगा। सोचेगा ऐसे तो इतनी चिल्लम चिल्ली होती नहीं है घर में। हैफा क्या कर रही है? खिजर खिजर हम दो बस बिल्कुल उसमें फ्लो मेरा आ रहा चौके कैसा लगा सरप्राइज? तुमको क्या लगा हम लोग भूल गए हैं? बर्थडे विश करा आपने? वेरी गुड। चलो अब जल्दी से खाना खाओ फिर केक काटते। तो यहाँ पर ये लाइटर मिल नहीं रहा था तो मैं ये कैंडल जला के लेकर आई थी और ये और बाकी 5 कैंडल्स मैंने जला दी, और क्योंकि बिस्तर वगैरह सब बिछ चुका था, बस सोने का टाइम था। तो हम लोग वैसे मतलब रात में ही केक को काट लेते हैं, इससे हमारा वो भी नहीं होता है ना, क्योंकि इन लोगों के पास टाइम नहीं होता है ना, तो हम लोग रात में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं सबका बर्थडे। और ये हैफा मुझसे मांग रही थी, तो यहाँ सब लोग हम लोग आ चुके हैं और अब खुद का वेट हो रहा है, मम्मा पापा और हामिद को देखिए कैसे आराम फरमा रहा है। मामा आइए। तो यहाँ पर हूद भी आ गया और मेरे दोनों बच्चे दोनों मामा लोगों के दीवाने हैं, देख रहे हैं अशर की एक्साइटमेंट की कोई हद नहीं है। देखिए किस तरह से वो चिल्ला रहा है हूद के पास जाने के लिए, दोनों साथ में मिलके हूद के साथ केक कट करेंगे। ये दोनों बहुत ज्यादा नॉटी।
स्टार्ट स्टार्ट हाँ चलो भैया चलो भाई Happy birthday, mama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mama. और आशर को देखिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है और बड़ी मजा आ रही है उनको उनको ये सब चीजों में बहुत ज्यादा मजा आती है. देखिए क्लैप कर रहे हैं और देखिए किस तरह से चिल्ला रहे हैं. पापा को थोड़ा सा हाँ शुगर है ना तो उनको हम लोग स्वीट अवॉइड करवाते हैं बट जो कि उनसे होता नहीं है तो यहाँ पे वही हम लोग बात कर रहे थे. तो अब यहूद मुझे खिला रहा है और तो अभी हो गई है रात और अब हम लोग जा रहे हैं सब लोग सोने. फिर आपसे सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी. कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि हूद के पास अभी टाइम नहीं है और जब उसकी ट्यूसडे को छुट्टी होगी तब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे. हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर डे. तो अभी हो गई है सुबह. सुबह क्या अभी बज रहे हैं 3 और हम जा रहे हैं पापा को स्कूल से लेने. अभी मैं गई थी खिजर को ट्यूशन छोड़ने और फिर अभी मुझे पापा को लेकर आके ट्यूशन से खिजर को लाना है और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं खिजर को हैफा को लेने. तो चलिए रिक्शा ढूंढते हैं. आजकल मेरी ड्यूटी खूब अच्छी तरह से लगी हुई है. हैफा को लेने जाना है क्योंकि उसके स्कूल ओपन हो गए हैं और फिर खिजर को ट्यूशन छोड़ने जाओ ट्यूशन लेने जाओ. तो चलो अच्छा है थोड़ा सा वेट लॉस हो जाएगा और अब मैं निकल चुकी हूँ क्योंकि मुझे रिक्शे से जाना है. पापा थे नहीं और वैसे पापा होते हैं तो पापा ही जाते हैं. तो ये घर से थोड़ा सा निकलते ही पीछे मुझे रिक्शा मिल गया था और मैं बैठ चुकी हूँ रिक्शे पे और मैं निकल चुकी थी. हमारे घर से थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे हैफा का स्कूल है. अगर हम रिक्शे से जाते हैं तो हमें 5 to 10 minutes लगता है. और ये देखिए यहाँ पर हमने हैफा को ले लिया था. थोड़ी सी मस्ती हो रही थी हैफा के साथ और हैफा कह रही थी कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ दो चोटी में तो प्लीज़ डोंट कैप्चर मी. और मैं उसको परेशान कर रही थी बोल रही थी कि चलो घर पर शिकायत करेंगे मम्मा से. तो बस ऐसे ही छोटे हंसते खेलते छोटा सा दिन होता है गुजर जाता है. बस ऐसे ही लाइफ को इन्जॉय करते हैं हम क्योंकि छोटी सी जिंदगी है यार हंसते खेलते गुजार लो बस. और क्या है अपनों के साथ जीने का मज़ा ही अलग है. तो जो रिक्शे से मैं गई थी उनको मैंने रोक लिया था उसी से ही मैं वापस आ गई फिर. और मैंने उसका इतना क्लोजअप ले लिया तो वो मुझसे कह रही है कि इसको अपलोड मत करना. मैंने कहा नहीं ये तो ज़रूर अपलोड होगा. तो फिर अब यहाँ पर हम लोग उतर गए हैं और फिर अपनी गली में हम लोग चलते चलते आ रहे हैं और हैफा को परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था. देखो और मुड़ते ही हम लोग को मेरा छोटा सा बाबू दिख गया मेरा भतीजा हुरैरा. बताएंगी नहीं कुछ कहना नहीं चाहेंगी आप अम्मा. तो यार गाइस अभी बस मैं आप लोग ने देखा मैं अभी हैफा को जस्ट घर लेकर आई हूँ और अभी हो गया है 3:25 और 5 मिनट के बाद मुझे फिर से बाहर जाना है खिजर को ट्यूशन से लेने. द डे वॉज सो हेक्टिक एंड एवरीथिंग वॉज नॉट इन अ मैनर क्योंकि बहुत थकान हो जा रही है और हैफा मुझे काम पे काम दिए जा रही है. तो और ये देखिए खिजर का ये सॉरी ये राइटिंग बोर्ड है ये 2-in-1 है और एक इधर से जो कि खिजर ने पूरी तरह से खराब करके रखा हुआ है और यहाँ से तो वो अभी अपना राइटिंग स्किल इम्प्रूव कर रहा है. तो अभी मैंने उसका ट्यूशन लगा दिया है तो वो ट्यूशन में अच्छे से माशाल्लाह बहुत अच्छे से उसको लिखना पढ़ना आ गया है एवरीथिंग और बहुत ही ज़्यादा मैनर्ड वे में वो लिख रहा है. तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी हिम मतलब टू सी हिम स्टडी. और उसका सैटरडे को एंट्रेंस एग्जाम है तो आप लोग भी दुआ करिएगा बस उसका एडमिशन हो जाए फिंगर क्रॉस्ड. तो चलिए चलते हैं उसको लेने. तो अपनी लाइट्स ऑफ कर देते हैं क्योंकि घर से निकलते वक्त लाइट वगैरह
कम कर देना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ का भी लाइट ऑन है, तो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए, है ना, हर चीज़ को सेव करना चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रेजर को लेने, और या व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग देखने में बोर हो जाएंगे। तो बस या दिस इज़ फॉर द डे, और आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ फिर से खिजर को ट्यूशन से लेने, और व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को प्यार करते रहिए, ऐसे ही आप लोग मुझे अच्छा अच्छा अपना प्यार देते रहिए। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।